दर्शकों नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति, संभावित रूप से नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। 288 सीटें आती हैं महाराष्ट्र विधानसभा में और 288 सीटों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। दो खेमे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुखता के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने के दावे पेश कर रहे हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन, दूसरी तरफ महायुति गठबंधन। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी, एकनाथ यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी शामिल है। जबकि महायुति गठबंधन में बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की शामिल है। बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीति में सक्रिय है, सरकार में सक्रिय है और सरकार उन्हीं के दम पर चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर करके सत्ता का परिवर्तन किया जाए। लिहाजा पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी ये निर्धारित करें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में शरद पवार कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया और उद्धव ठाकरे को जवाब देते वक्त शरद पवार ने कहा कि बिना किसी सीएम फेस के ही महाराष्ट्र में यहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनावी मैदान में उतरने वाला है। कांग्रेस पार्टी मराठवाड रीजन, जो कि काफी कमजोर उनके लिए हुआ करता था, उसमें लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, मजबूती के साथ जीत दर्ज की और यहाँ पर उस रीजन को मजबूत कर लिया गया है। तो यानी कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी भी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अपने तमाम पैंतरे आजमा सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार की भूमिका को लेकर आरएसएस काफी संतुष्ट नहीं है। आरएसएस की तरफ से जारी किए गए एक पत्र में ऐलान किया गया कि अजीत पवार विपरीत विचारधारा से संबंध रखते हैं और ऐसे में बीजेपी के साथ मिलकर के उनका सरकार बनाना उचित नहीं है। लिहाजा अजीत पवार फिर से यहां पर महाराष्ट्र में किनारा करते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का राजनीतिक स्वरूप किस तरीके से बदलता हुआ नजर आता है, या महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है या फिर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे या कहें कि देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम नेता मिलकर के एक बार फिर से महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।